वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द अनदर न्यू वीडियो। नेटफ्लिक्स के अंदर बहुत सारी सीरीज है, पर क्या आप लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स के अंदर हिंदी डब्ड एनिमे भी अवेलेबल है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 6 हिंदी डब्ड एनिमे जो कि नेटफ्लिक्स के अंदर अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 6 पोनियो। 2008 में रिलीज हुई मूवी एक फ्रेंडशिप का अलग ही बॉन्ड बनाती है आपके साथ। ये मूवी की स्टोरी एक 5-year-old बॉय और एक गोल्डफिश के ऊपर बेस्ड है और उस गोल्डफिश का नाम रहता है पोनियो। और अब अगर तुम 5-year-old बॉय देख करके ये सोच रहे हो कि ये मूवी बच्चों के लिए है तो मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम एक 20 साल के या 25 साल के अडल्ट भी हो तो भी ये मूवी तुमको बहुत एंटरटेन करने वाली है। ये उन मूवीज में से एक है जिनको देखने के बाद आपके मुंह पर एक छोटी सी स्माइल तो आ ही जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर इस मूवी का विलन या एंटैगनिस्ट है, बट इन रियलिटी मूवी में कोई भी विलन या एंटैगनिस्ट नहीं है। समटाइम कैरेक्टर हैव रूड बिहेवियर बट दैट डजंट मीन दे आर द एंटैगनिस्ट और विलन्स। इस मूवी को टोटल 12 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और ये 19 बार नॉमिनेशंस में भी आई थी। अवार्ड लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसको IMDb पर मिला है 7.7 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पर मिला है 92% और माय एनिमे लिस्ट पर 7.90 आउट ऑफ 10। और अगर इस मूवी के जॉनरा की बात करें तो है एक्शन एंड फैंटेसी। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के अगले नंबर की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास किकी डिलीवरी सर्विस। 1989 में आई ये मूवी में किकी नाम की एक 13 साल की लड़की रहती है जो कि एक जादूगरनी है। और इस मूवी की कहानी के अनुसार जादूगरनी को 13 साल की उम्र होने पर अपना गांव या शहर छोड़कर किसी दूसरे गांव या शहर में जाना होता है ट्रेनिंग करने के लिए। इस मूवी में किकी को एक पूरा साल एक नए शहर या गाँव में बिताना होता है जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करती है। इस मूवी में किकी के उस एडवेंचर्स को बताया गया है जो उसने उसकी ट्रेनिंग के दौरान किए। तो मे बी शायद इस मूवी का नाम किकी डिलीवरी सर्विस के जगह एडवेंचर ऑफ किकी होना चाहिए था। अबे साले। इस मूवी का जॉनरा है एडवेंचर, कॉमेडी, फैंटेसी, मैजिक, रोमांस एंड ड्रामा। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर मिला है इसे 7.8 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 98% और माय एनिमे लिस्ट पर 8.26 आउट ऑफ 10। नंबर 4 माय नेबर्स टोटोरो। 1988 में आई ये मूवी को एक बार देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप इस मूवी को भूल जाओ, ये मूवी आपको कई महीनों तक याद रहने वाली है। इस मूवी की स्टोरी में शातोस्की और उसकी छोटी बहन मी है और वो लोग अपनी फैमिली के साथ अपने शहर को छोड़कर एक कंट्री साइड में जा रहे हैं जहाँ पर उनका एक छोटा सा पुराना सा घर है जिसको देखकर ये दोनों बहनें उसको हॉन्टेड हाउस बुलाती है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चों की इमेजिनेशन कितनी खतरनाक होती है। वो लोग एक अलग ही क्रिएचर को इमेजिन करने लग जाते हैं जिसका नाम टोटोरो रहता है। उसके पास कई टाइप की डिफरेंट पावर्स रहती है जैसे कि हवा में फ्लाई करना एंड एक्सेट्रा। अब वो क्रिएचर रियल है या फिर उन दोनों बच्चों की इमेजिनेशन, ये देखने के लिए तुमको तो मूवी देखनी होगी। अगर इस मूवी के जॉनरा की बात करें तो वह है सुपरनैचुरल, कॉमेडी एंड एडवेंचर। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसको मिला है 8.2 आउट ऑफ 10, माय एनिमे लिस्ट पर 8.32 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 94%। नंबर 3 और अब हम लोग हमारे टॉप 3 पर पहुंच चुके हैं। अगर तुम लोग अभी तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 की तरफ, प्रिंसेस मोनोनोके। 1997 में आई ये मूवी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है फॉरेस्ट गॉड और ह्यूमंस पे कि कैसे ह्यूमंस सारे रिसोर्सेस को खत्म करते जा रहे हैं। मूवी के मेन कैरेक्टर का सामना एक डीमन से हो जाता है जिसके बाद उसको एक कर्स लग जाता है और उस कर्स को हटाने के लिए वो जगह जगह घूमता है जहां पर उसकी मुलाकात सैन से होती है और सैन प्रिंसेस मोनोनोके के नाम से बदनाम होती है। और ये मूवी पूरी तरीके से प्रिंसेस मोनोनोके के ऊपर ही बेस्ड है। और एक बात, ना तो प्रिंसेस मोनोनोके ह्यूमन है और ना ही डीमन है। अब वो क्या है ये जानने के लिए तुमको एनिमे की मूवी देखना होगा। अगर मूवी के जॉनरा की बात करें तो ये एक्शन, फैंटेसी, एडवेंचर्स। और अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसको मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 93% और माय एनिमे लिस्ट पर 8.7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी मूवी है जो कि आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करती है, साथ ही साथ ऑडियंस अटेंशन भी बनाए रखती है कि अगले वाले सीन में आखिर क्या होगा। नंबर 2
हाउल्स मूविंग कासल। 2004 में आई ये मूवी जिसमें जादू एक आम बात है। इसमें वर्ल्ड वॉर टू का टाइम बताया गया है। इस मूवी की मेन लीड में एक 18 साल की लड़की रहती है जो कि हैट बनाने का काम करती है। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मूवी की मेन लीड एक लड़की है और इस वजह से तुम इस मूवी को नहीं देखने वाले हो, सच बोल रहे हो, तुम इस बात को रिग्रेट करोगे। लेट्स बैक टू द स्टोरी। तो वो लड़की एक हैट बनाने का काम करती है और फिर बाद में एक कर्ज के कारण वो एक 90 साल की बूढ़ी औरत बन जाती है और इस कर्ज को हटाने के लिए वो अपने घर को छोड़ देती है और शहर से बाहर चली जाती है। वहाँ पर उसको एक जिंदा स्क्वायर क्रो मिलता है जो कि उसको हाउस मूविंग कासल तक पहुँचाता है। अब इसके बाद की स्टोरी आप लोग मूवी में ही देखना। मैं ज्यादा कुछ बोल के आप लोगों को स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और अगर इस मूवी के जॉनर की बात करें तो वह एक्शन एडवेंचर रोमांस मैजिक फैंटेसी। और अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसको IMDb पर मिला 8.2 out of 10, रॉटन टोमेटोज पे 93% और माय एनिमल लिस्ट पर 8.7 out of 10। नंबर 1, स्पिरिटेड अवे। 2001 में आई ये मूवी जो कि जापान के फिल्म इतिहास की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। 2003 में इस मूवी को ऑस्कर भी मिल चुका है फॉर द बेस्ट एनिमेशन फिल्म। ये मूवी 21वीं सदी की सबसे बेस्ट फिल्म की लिस्ट में आती है। मूवी की स्टोरी में एक 10 साल की लड़की अपने फैमिली के साथ अपने पुराने गांव को छोड़कर एक नए शहर में जाती रहती है और इससे पहले कि वो लोग उसके नए शहर में पहुंचते वो लोग घोस्ट टाउन में पहुंच जाते हैं और इसके बाद स्टोरी एक ऐसा पॉइंट पकड़ लेती है कि सब कुछ टर्न और ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद की स्टोरी में बता करके आप लोगों को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप किसी भी मूवी से पहले जरूर देखें। और ये सारी मूवीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। सो अगर इस मूवी के जॉनर की बात करें तो इस मूवी का जॉनर है एक्शन फैंटेसी। और अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसको मिला है 8.6 out of 10, रॉटन टोमेटोज पे 98% और माय एनिमल लिस्ट पर 8.8 out of 10। सो आई होप तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर तुम लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपकमिंग कंटेंट। हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। हमारे चैनल का कंटेंट एकदम डाइवर्स है। हम लोग किसी एक स्पेसिफिक एनिमे के ऊपर कभी भी बात नहीं करते। हम लोग बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं जो कि हमारी ऑडियंस को अच्छी तरीके से एंटरटेन करके रखती है। जैसे कि हम लोग ब्लैक क्लोवर के ऊपर थ्योरी और डिस्कशंस वीडियो डालते हैं, वन पीस के ऊपर भी थ्योरी और डिस्कशंस वीडियो, बकलोल न्यूज और बहुत सारी चीजें जो कि तुमको आई डोंट थिंक किसी और एनिमे चैनल पर मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लो। साथ ही साथ हमको कमेंट सेक्शन में भी बता दो कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना फॉर अपडेट्स ब्रो। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।